हरे बांसुकी बांसुरी तू निगरे पर्वत फोर, जो मैं ऐसो जानती तो ये देती तोरे मरो। ये जो बैरन बांसुरी है ना, ये हमारा जी नहीं लगने देती घर में। जब जब ये बांसुरी बजती है हमें लगता है जैसे यू आर कॉलिंग मी, आप हमें बुला रहे हैं। और जब हमारा प्रियतम हमें बुलाता है तो आप बताइए, जब हम जिससे प्रेम करें वो हमें बुलावे, सच बताना जाएंगे या नहीं? घर वाले का टांग तोड़ दूंगा बाहर निकला तो, तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा बाहर निकला तो, निकल कर देख। फिर भी वो रुकते हैं क्या? जोर से बोलिए, घर वालों को चकमा देके मैं तुमसे मिलने आया मंदिर जाने के बहाने, गलत है कि सही है? मैंने इसलिए आया कहा है, आई नहीं कहा है। मैं तुमसे मिलने आया मंदिर जाने के बहाने, घर वालों को बोल के आया मैं मंदिर में, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। देखो इन दुष्टों को ये कहां पे आन पड़े, ओम जय जगदीश हरे। क्यों ताली बजा रहे हो? दूसरी पंक्ति पे देखो इन दुष्टों को कहां पे आन पड़े। दुष्ट वही हैं जो भगवान को भूलकर दुनिया में रम जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं और ये बात कहते हैं मैं दुनिया वालों से प्रेम करता हूं। जब ईश्वर, हम लोग साधारण व्यक्ति से मिलने के लिए हम लोग झूठ बोलकर घर वालों से रुकते नहीं कभी, तो जो ईश्वर से प्रेम करता होगा वो कभी रुकेगा? जब दुनिया का प्रेम हमें नहीं रोक पाया तो भगवान का प्रेम हमें रोक सकता है? दुनिया रोक सकती है हमें? भगवान से प्रेम करने वाले कभी रुकते हैं? उससे पहले कभी रुके? अरे जब दुनिया के लिए हम लोग पागल हो जाते हैं और किसी के रोकने से नहीं रुकते, तो भगवान का प्रेम तो कितना सर्वश्रेष्ठ है, कितना पवित्र प्रेम है, उस प्रेम के लिए हम कैसे रुक सकते हैं? चाहे दुनिया लाख ताने मारे फिर भी मुझे तो निकलना है, फिर भी मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, गोपियों की तरह उनके चरणों में पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है। गोपियां कहते हैं जब आपकी बंसी बजती है ना, घर पे नहीं रह जाता। कृष्ण बोले सखियों जाओ अपने अपने पति की पूजा करो। जो स्त्री अपने पति की पूजा करती है उससे बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े इतने इंद्र इत्यादि भयभीत रहते हैं, कांपते हैं और बड़े बड़े देवता उनके बस में रहते हैं। तुमने सती अनुसुईया का चरित्र नहीं पढ़ा? सती अनुसुईया जी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उनके यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जब पहुंचे तो ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बच्चा बना दिया सिर्फ अपने पतिव्रत के बल पर। इसलिए हे देवियों, सब अपने अपने पति की पूजा करो। गोपियां बोली कृष्ण अगर आप निवेदन करो, आज्ञा दो तो एक संदेश, एक बात संशय हमारे मन में है, आप कहो तो पूछ लें। हाँ पूछो ना, क्या बात है? हे कृष्ण, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करके ही भोजन इत्यादि करती थी, सुबह उठकर अपने पति का मुख देखती थी, शाम को सोते वक्त अपने पति का मुख देखकर ही सोती थी, पति को खिलाकर खाती थी, पति को सुलाकर सोती थी, बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। कई देवियां होती है ना सब, जो अपने पति को बगैर खिलाए खाती नहीं है, होती है कि नहीं है? हाँ, पति को जिमा कर जिमती है, पति को जल पिलाकर ही पीती है, उनका नियम होता है, उनका व्रत होता है। जो जो देवी ऐसा करती हाथ उठाओ। बाकी के धोता उठा तो उठा आलू के परांठे खाए के चक्के सो जानते होंगे, बोले आप जगह खा ले, खाना खा ले, नहीं खाना खा ले, मुझे तो भूख लग रही, मैं रह नहीं सकती बिना खाए ऐसा। एक भैया मुझे मिले, वो भैया
करवा चौथ का व्रत रखे थे, हमने कहा तुम कौन का स्वाग बढ़ा रहे हो। बोले साहब देवी जी हमारे लिए व्रत रखती हैं, हम देवी जी के लिए व्रत रखते हैं। मैंने कहा गजब तेरे प्यार के लिए भाई, अब बजाओ ना बुराई के बोले, अच्छी बात है ना, तुम नहीं रख सकते तो किसी और को तो रखने दो, कम से कम उसके लिए ताली बजा दो। तो वो व्रत रखते थे इतने अच्छे थे, बिल्कुल सही। जब पत्नी भी तुम्हारे लिए करती है तो तुमको भी व्रत रखना चाहिए। आगे से नेक्स्ट टाइम मैं भी सोचूंगा कि रखना है कि नहीं। वो कहती वो पत्नी बहुत अच्छी थी महाराज, अपने पति का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन की बात है, उनके पति बोले देवी मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना है। देवी बोली अगर आप परदेश चले गए तो मेरे व्रत का क्या होगा, आपका मुख देखकर उठती हूँ, मुख देखकर सोती हूँ, कैसे रह पाऊंगी आपके बिना। तब पति बोले देवी मजबूरी है, मुझे जाना तो पड़ेगा, एक काम करो मैं एक माटी की प्रतिमा तुम्हें बनाकर दे जाता हूँ और तुम जैसी सेवा मेरी करती हो वैसे मिट्टी की पति की सेवा करना। और वो देवी को मिट्टी की प्रतिमा बनाकर दे गए और स्वयं चले गए। और जब स्वयं चले गए तो वो देवी उस माटी की प्रतिमा की ऐसे ही पूजा करती है जैसे सच्चे पति की पूजा करती थी। एक दिन इसको संयोग कहेंगे, जिस दिन वो अपने दरवाजा बंद करके मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी उसी समय सच्चे के पति आ गए और दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो मैं परदेश से धन कमाकर आ गया। अब वो देवी दरवाजा कैसे खोले, क्योंकि वो तो मिट्टी के पति की सेवा कर रही है और हमारे सनातन धर्म में ये मर्यादा है कि जब तक पूजा पूरी ना हो जाए तब तक उठना नहीं। अगर पूजा छोड़ दी तो पति पर धन नष्ट हो जाएगा और पति बाहर से आए पैदल चलकर आए उनके लिए दरवाजा ना खोलूं तो भी मेरा पति पर धन नष्ट हो जाएगा। अब वो बेचारी ब्राह्मणी असमंजस में पड़ गई, अब मैं करूं तो क्या करूं। गोपियों ने कृष्ण से कहा हे गोविंद अब आप ही बताओ वो बेचारी ब्राह्मणी करे तो क्या करे। श्री कृष्ण बोले गोपियों तुम बड़ी भोली हो, तुम्हारी तरह वो गोपी भोली रही होगी बेचारी ब्राह्मणी। अरे देखो जब तक सच्चा पति नहीं था तब तक मिट्टी के पति की पूजा करना मजबूरी था, लेकिन जब सच्चा पति आ गया तो खड़ी हो दरवाजा खोले और बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे तो उसकी पूजा हो जाएगी, उसी की पूजा हो जाएगी, धर्म जाएगा नहीं बच जाएगा। अब जोर से ताली बजाओ और जोर से बजाओ, जितने जोर से आप ताली बजा रहे हो इससे भी ज्यादा जोर से ताली गोपियों ने बजाई उस समय। ये आंसर सुन लेने के बाद कन्या ने पूछा ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो, ऐसे क्यों ताली बजा रही हो। गोपियां बोली कृष्ण आनंद आ गया, आपने सही जवाब दिया, सही न्याय किया। क्यों? आपने कहा जब सच्चा पति आ जाए तो मिट्टी की पूजा को छोड़कर सच्चे पति की पूजा करनी चाहिए। हे प्राणेश्वर आप एक बात सुन लीजिए, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक हम इन मिट्टी के पतियों की सेवा करते रहें, लेकिन जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो इन मिट्टी के पतियों की सेवा क्यों करें, कौन करे बताइए ना आप, हम लोग कौन है सब जो अपने आप को कहते पति पति पति, कौन है? हाड़मास के पुतला ही तो है। कल बताया था ना तीन गति होती है, तीन गति याद है कौन कौन सी? जला दिया तो राख, समाधि लगवा दी तो कीड़े, और जल में बहा दिया तो मल। तीन गति होनी शरीर की, हाड़ मास का पुतला है और इसी हाड़ मास के पुतले को हम लोग कहते मेरा पति है मेरा पति है, लेकिन ये तो मिट्टी का पति है। जला दिया तो राख होकर मिट्टी हो गए कि नहीं हुए? मिट्टी हो गई ना। अब मिट्टी को उठाओ जलाने के बाद और फिर कहो कि ये मेरा पति है, कोई उस मिट्टी को पति कह सकता है? लेकिन मजबूरी है, जब तक सच्चा पति ना मिले तब तक मिट्टी के पति की पूजा करना पड़ेगी और जब सच्चा पति मिल जाए तो फिर मिट्टी के पति की पूजा करने की फॉर्मेलिटी काहे को हम लोग पूरी करेंगे महाराज। जब हमें सच्चा पति सर्वेश्वर श्री कृष्ण मिल जाए तो फिर हमें ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है।